एक्चुअली कल रात के 12:30 बज चुके थे एंड मेरी कास्टिंग खत्म हुई, तो यहाँ पे सर का मैसेज आया कि यू डू वन थिंग, किसी भी फ्रेंड के घर या फिर अपने घर जाने की मत सोचो, बेटर वहीं पे सो जाओ। एंड मुझे भी ऐसा फील आया यार कि वहीं पे सो जाना, लाइक कहीं भी जाऊंगा तो सोने वाली ही तो बात है। इसीलिए यहाँ पे बूट कैम्प में जो बेडरूम है, जो बेड्स है वहीं पे, ये वाला जो बेड आप देख, वेलकम, आप सभी का स्वागत है आज के हमारे न्यू व्लॉग में। आज का जो टॉपिक होगा वो है अ डे एट रेकनिंग ईस्पोर्ट्स का बूट कैंप। यहाँ पे कल रात कास्टिंग टीम माही व सनिग्मा का कास्टिंग किया था, कल रात से लेके आज सुबह तक क्या हुआ है ना, शाम को मैं क्या करने वाला हूँ, कैसे रूटीन फॉलो होगा, प्लस यहाँ पे इस बूट कैंप में क्या क्या फैसिलिटीज अवेलेबल है, क्या क्या चीजें अवेलेबल है, इस बारे में बात करेंगे। तो हम लोग आ चुके हैं एक्चुअल पीसी रूम, जो एक्चुअल बूट कैंप का सबसे हार्ट ऑफ द बूट कैंप है, वहां पे आ चुके हैं। कल रात को इसी जगह बैठ के मैंने टोटल 7 घंटे की कास्टिंग की थी। जी हाँ, मुझे खुद को रियलाइज नहीं हुआ, ऑल थैंक्स टू दिस मशीन, ये जो ऊपर दिखाई दे रहा है, ऑल थैंक्स टू डिश। और मेरी जो डेडिकेशन है वो तो है ही, ऑडियंस का जो रिस्पॉन्स था, मतलब सारी चीज़ों ने मिला जुला के इतना लंबा मुझे पुश करने पे थोड़ा सा क्या बहुत ज़्यादा हेल्प किया। मैं सोचा था कि ये व्लॉग मैं कल रात को ही शूट करूँगा या फिर रात का जो मतलब मेरा रूटीन होगा वो बताऊँगा आप लोगों को, बट रीज़न क्या हुआ, मैं इतना ज़्यादा थक चुका था कि मैंने फ़ोन ऑफ किया एंड चुपचाप जाके मैं सो गया। अब आज सुबह की अगर बात करें, आज सुबह क्या हुआ, तो यस मैं 11 o'clock को सो के उठा, नीचे गया एंड नीचे जाके कुछ नाश्ता वगैरह किया बिकॉज इट वॉज मच नीडेड। बात करें अगर कल रात की, तो जैसे ही मेरा कास्टिंग खत्म हुआ वैसे ही मम्मी का फोन आया, बोली बेटा कैसे हो, क्या कर रहे हो। शी टोल्ड कि सबसे पहले वहाँ पे गैस होगा ही होगा, सबसे पहले अपने लिए पानी गर्म करो एंड गर्म पानी थोड़ा सा पी वगैरह लो, वरना गले को हो सकती है दिक्कत, कल की कास्टिंग तुम कर नहीं पाओगे। तो मैंने सबसे पहले वही फॉलो किया एंड जैसा कि मम्मी ने कहा था मैंने वैसा किया। बात करें आज सुबह की, तो सुबह 11 o'clock को मैं सो के उठा एंड नीचे जाके सबसे पहले चाय नाश्ता किया बिकॉज यहाँ पे हेल्थ काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड यस, अगर आपका गला खराब है, अगर आपका तबीयत अप डाउन हो रहा है, तो कास्टिंग या इतनी बड़ी मेहनत, इतनी लंबी मेहनत नहीं कर पाओगे, ऑडियंस की तरफ ऑडियंस के पास आप एनर्जी नहीं दिखा पाओगे। कल रात को मुझे जो भी कमेंट्स मिले सब में यही थी कि इतनी लंबी कास्टिंग करने के बाद भी इतना एनर्जेटिक है ये बंदा, कितनी अच्छी बात है। तो ये एनर्जी का जो सीक्रेट है वो यही सब है कि अपने हेल्थ पे ध्यान देना है, जो चीज़ें हैं वो टाइम पे कैरी आउट करना। अभी फिलहाल मैं बैठ के कंप्यूटर पे अपना होमवर्क वगैरह कर रहा था, देख रहा था कौन कौन सी टीम्स आज परफॉर्म करने वाली है, कैसा उनका गेम प्ले होगा या क्या उनका पास्ट एक्सपीरियंस या पास्ट रिकॉर्ड्स रहे हैं। टीम माही SATUL 2-3 पाकिस्तानी टीम्स है, बेस्ट ऑफ थ्री मैचेस है और 2 best of 1 मैचेस है। यहाँ पे SATUL की टीम होगी, टीम माही, VRN, एक आध पाकिस्तानी टीम्स वगैरह भी हैं, तो काफी मजेदार होने वाला आज का सफर। शूट कर रहा था तभी मुझे अचानक से याद आया कि मैंने बाहर से कुछ सामान लाया था, कुछ चीज़ें लाई थी और उनको फ्रिज में रखना भूल गया। यस, यहाँ पे ड्रिंक्स वगैरह मुझे एक्चुअली, अगर मैं मेरी बात करूँ तो मुझे एक तो पसंद भी है, ऊपर से यहाँ पे कुछ कुछ ड्रिंक्स अपने पास मैं यहाँ पे लेके आया हूँ पीने वगैरह के लिए, क्योंकि बीच बीच में यू नो रिक्वायर्ड, यहाँ पे बीच बीच में नीडेड रहता है। तो सबसे पहले हम इन बॉटल्स को, इन कैंस को वॉश करेंगे, धोएंगे और उसके बाद यहाँ पे अगर पीछे मैं आपको दिखाऊँ, हाँ यार पीछे हेलो फ्रिज, हाई बोल ब्लॉक को, हाई बोल हेलो, हाई बोल, हाँ हाई लिखा है इस पर, HAI देख देख रहे हो यहाँ पे, HAI हाई लिखा हुआ देख रहे हो, हाई बोल रहा है फ्रिज, सुनता है वो मेरी, सुनता है। सारे कैंस को अपन फटाफट वॉश करके हम फ्रिज में रख लेंगे। यहाँ पे सारी की सारी चीज़ें मैंने फ्रिज में रख दिया, अब इनका रात में काम आएगा। फ्रिज खाली इसीलिए है बिकॉज मैंने पहले ही बताया था बूट कैंप में कोई है नहीं, सारे के सारे प्लेयर, सारे के सारे लोग अपने अपने घर हैं। दिस वॉज ऑल अबाउट अ डे एट बूट कैंप। अब यहाँ पे कुछ कुछ फैसिलिटीज दिखाते हैं, कहाँ मैं सोया था, कैसे कैसे यहाँ पे क्या क्या चीज़ें अवेलेबल है। वंस अगेन इस वीडियो में मैं सबसे ज़्यादा थैंक करना चाहूँगा इस मशीन को, जो ऊपर आप लोगों को दिखाई दे रही है, बहुत बहुत शुक्रिया, इसने मतलब यहाँ पे बहुत ज़्यादा साथ दिया है मेरा एंड सच में बहुत ज़्यादा मज़ेदार रहा है यहाँ पे। इसकी वजह से जो यहाँ पे बैठना है, यहाँ पे काम करना है, बहुत ही ज़्यादा जो है वो हैज़ल या बर्डन कम हो गया। अब मैं यहाँ पे आपको कुछ कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें दिखाऊंगा कि कैसे यहाँ पे एक पूरा का पूरा दिन मुझे निकालने में कैसे ये चीज़ें हेल्प करती हैं, क्या क्या मैंने किया वगैरह। मैंने अपना जो थोड़ा बहुत पानी गर्म एंड ऑल था वो सब किया एंड देन मैं यहीं पे सो गया। एंड वंस अगेन इस चीज़ में थैंक यू वेरी मच, कल रात को बहुत ही पीसफुल, बहुत ही मज़ेदार नींद आई। और यहाँ पे एनवायरनमेंट एंड ऑल तो आप देख ही सकते हो यार, हालांकि मैं घर में अकेला हूँ तो कभी कभी मज़ा भी आता है, कभी कभी डर भी लगता है कि हाय रामा कहीं से भूत वूत ना आ जाए, बट भूत क्यों आएगा यार, लाइक आप लोगों को लगता है भूत आएगा, हेलो सच में लगता है भूत वूत, मुझे नहीं लगता यार, इतना सुंदर जगह है। बस हाँ थोड़े लोग होते, मजाक से हटके अगर थोड़े लोग होते ना तो सच में बहुत ज़्यादा मज़ा आता एंड एक फ़नी एक मज़ेदार एनवायरनमेंट यहाँ पे क्रिएटेड होता। पर एनीवेज कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं है, मज़ा बिल्कुल बहुत ज़्यादा आता है।
बात करें अगर करंट टाइम की तो नाश्ता वगैरह मेरा हो गया, अब मुझे डिनर का वेट करना है, तो डिनर के लिए कुछ अच्छा सा खाना ऑर्डर कर देता हूँ। एंड सबसे इंपॉर्टेंट, अब मैं जा रहा हूँ नहाने, और नहीं मैं कोई भी नहाने के फुटेजेस वगैरह नहीं डालने वाला, दिमाग से सारी गंदी गंदी चीज़ें, गंदे गंदे थॉट्स बाहर निकाल दो। चलते हैं, बढ़ते हैं, अब नहा धो के एंड 3-3:30 तक काम हो जाएगा। थोड़ा सा रेस्ट करूंगा, एक छोटा सा नैप ले लूंगा, और उसके बाद 5 बजे से वापस से कास्टिंग वगैरह चालू करनी है। तो दिस वॉज ऑल अबाउट आज का पूरा दिन। तो चलो गाइस, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया। इसी के साथ हम लोग यहाँ पे अ डे एट रेकनिंग ईस्पोर्ट्स का बूट कैंप यहीं पे खत्म करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का देखने के लिए। एक बार फिर से दिखा दो, ये रहा हमारा बूट कैंप का हार्ट, ये रहा हमारे बूट कैंप का लोगो जो कि द हार्ट ऑफ रेकनिंग ईस्पोर्ट्स। यहाँ पे सारे के सारे पीसीज एंड ऑल अरेंज्ड है। सोचो अगर यहाँ पे प्लेयर्स होते तो कितना खूबसूरत माहौल होता, मतलब एकदम आरजीबी वगैरह सब लगा के एकदम शादी ब्याह का माहौल बना के रखते प्लेयर्स, लेकिन यहाँ पे कोई है नहीं। ट्यून इन करके रखिए, जल्दी आपको आगे की सारी अपडेट्स, कैसे कैसे यहाँ पे क्या हो रहा है और क्या होने वाला है वगैरह सारी चीजें मैं यहाँ पे आपको बताता रहूंगा। थैंक यू वेरी मच गाइस, जो लोग भी यहाँ पे ब्लॉग देखे, पिछली ब्लॉग का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में होगा, वो भी देख लीजिए, अगली ब्लॉग भी धीरे धीरे आती रहेगी। तो थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया, जल्दी मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, लॉट्स ऑफ लव टू ईच एंड एवरीवन वॉचिंग एंड सपोर्टिंग, बाय।